मुड़ेगा हम खुद जाना चाहेंगे अपनी प्रजा से मिलने उनका दुख बांटने उनके आंसू पोंछने हाँ अच्छी है ये भी अच्छी है अच्छी है वो लीजिए द्वारकाबाई साहेब ये साड़ी किसके लिए चुनी है आपने ये वो कमलाबाई है ना विठल राव की पत्नी उनके लिए उनके लिए जी इतना हल्का रंग काय हो द्वारका भाई साहेब आपको याद नहीं एक बार आप ही ने उनसे कहा था कि आपको चटकदार रंग पहनना चाहिए आपके रंग रूप पर वही जचता है ध्यान से ही निकल गया ये कैसी रहेगी बखू आहा छान रंग है ये हुई ना बात अक्का साहब हमने सारी साड़ियां छाट दी है अब हम चले कुछ जरूरी काम था द्वारका भाई साहब सीता बाई के लिए कौन सी साड़ी पसंद की है वो दिखाइए ये वाली अक्का भाई खूब सुंदर है ना ओ लेकिन मेहमानों की तरह सीता बाई को भी एक ही साड़ी देना कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे घर की बेटी है वो सुनिए कुछ और ज्यादा साड़ियां दिखाइए सबसे अलग हाँ हमारी बेटी के लिए या ना बहुया आई हो या हो या बसा दिखाइए तीन साड़ियां हम पसंद कर लेते हैं ठीक है जैसा आप ठीक समझे अक्का साहब हम चलते हैं देर हो रही है रुकिए जरा अब जाइए किती गई हाँ कहाँ जा रही है आप धनाजी साहब को खबर देने कि आपको जिम्मेदारी देने के बाद बड़े सरकार भी लिंबोड़ी गांव की समस्या पर नजर बनाए हुए हैं उनके पास मत देखिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा मुझसे सब कुछ खुद मैंने सुना है अपराधी पर उंगली उठाने का अधिकार उसे ही होता है धनाजी साहेब जिसने खुद कोई गुनाह ना किया हो
और आप तो गुनाह की दुनिया के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। बकवास बंद करो। और आपकी कुंडली भी बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूं मैं। आजकल लगान की अवैध वसूली का मामला बड़ी चर्चा में है ना? और आप ही तो हैं इस कांड के कर्ता धर्ता। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? अभी कहा ना कि थोड़ी बहुत जासूसी मुझे भी करनी पड़ी अपनी चमड़ी बचाने के लिए। वैसे मैं सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन जिसे आपने धनेश्वर साबित किया है उसके बारे में अच्छे से जानता हूं, उसका असली नाम पता सब। तो मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा, और वैसे भी आपके ईमानदारी के किस्से बहुत सुने हैं मैंने, बस तीर निशाने पर लग गया और बची खुची कसर आपके चेहरे के हाव भाव ने पूरा कर दिया। मालवा के दरबार का इतना बड़ा सरदार इतना डरा और सहमा है, इसका मतलब कि मेरी बातों में दम है, सच्चाई है। ये तो साफ हो गया साहेब कि चोर चोर मौसेरे भाई वाला नाता है हम दोनों का। तो आपस में एक दूसरे को डराने और धमकाने के बजाय मिल बांट कर खाते हैं। आप चुप तो मैं भी चुप, आप खुश तो मैं भी खुश। मैं तो कहता हूं मेरी मदद करके बहुत फायदे में रहेंगे आप। आज के बाद मल्हार सरकार की हर योजना और हर चाल की खबर मुझ तक पहुंचाते रहिए, ठीक है ना? आज की रात ये साबित करेगी कि लिंबोड़ी गांव की महामारी एक प्राकृतिक विपदा है, किसी इंसान के लालच का परिणाम नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.